Assalamualaikum. Welcome to Hira Public Higher Secondary School. Here is a tutorial for class 6 and the subject is mathematics. In this tutorial, we discuss exercise 8.1 and the topic we discuss is the evaluation of algebraic expression. Okay? क्वेश्चन नंबर वन इज एवेलुएट द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. हमने क्या करना है, गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है. जो वैल्यूज हमें वेरिएबल की गिवन है उन्हें यूटिलाइज करते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू हमें 3 गिवन है, बी की वैल्यू हमें 4 गिवन है एंड सी की वैल्यू हमें 5 गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन इज ए स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया है वो है आपका ए और उसके ऊपर पावर है 2. हमें क्या करना है, ए की गिवन वैल्यू जो कि हमारे पास 3 है उसे यूटिलाइज करते हुए हमने इस पर्टिकुलर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है. सो ए की वैल्यू क्या है, आपके पास 3 है और उसके ऊपर क्या है, पावर 2 है. किसी भी नंबर के ऊपर जब कभी भी पावर 2 होती है, इट्स मीन्स कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर है उसे आपने 2 टाइम्स राइट करना है. आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इस पर्टिकुलर 3 को 2 टाइम्स लिखना है, जिस तरीके से हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3. इट्स मीन्स कि 3 के ऊपर पावर कितनी है, 2 पावर है. सो हमने 3 को कितनी बार लिखा, 2 टाइम्स लिखा. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 द आंसर इज 9. 3 3 इज 9. सो द आंसर ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए स्क्वायर इज 9. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है ए बी. ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 3 गिवन है और बी की वैल्यू क्या गिवन है, 4 है. तो हमने क्या किया, ए की जगह ए की वैल्यू दैट इज 3 राइट की और बी की जगह हमने बी की वैल्यू रखी जो कि हमारे पास क्या है, 4. और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो जब 3 आपका 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, 12. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है बी ए. बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है और ए की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 3 गिवन है. सो हमने क्या किया, पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को हमने पुट किया है. आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 द आंसर इज 12. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ए स्क्वायर बी. इट्स मीन्स कि हमने क्या करना है, फर्स्टली हमने ए की वैल्यू पुट करनी है, देन हमने उसका स्क्वायर फाइंड करना है, आफ्टर दैट हमने मल्टीप्लाई करना है उसे वेरिएबल वी की वैल्यू से. ओके, सो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है और पावर 2 हमने एज इट इज प्लेस कर दी. उसके बाद जो वैल्यू वेरिएबल है हमारे पास वो है बी. बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4. सो 3 के ऊपर पावर 2 है, इट्स मीन्स कि 3 को हमने कितनी टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है और 4 का 4 हमने एज इट इज उतार लिया. ठीक है, जब 3 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा आपका, 9 आएगा और 4 देके हमने एज इट इज प्लेस कर दिया. अब 4 और 9 आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो 9 4 जा 36, दैट इज आंसर. हमने क्या किया है, हमने सिंपली ए बी सी की जो हमारे पास वैल्यूज गिवन थी उसी को यूटिलाइज करते हुए हमने क्या किया है, पर्टिकुलर वेरिएबल को अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एवेलुएट कर रहा है. जो हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास जो वैल्यूज की नीड थी हमने उन्हें यूटिलाइज कर लिया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज एवेलुएट द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ एक्स इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू माइनस 3 एंड जेड इक्वल्स टू 4. हमने वही प्रोसीजर यूटिलाइज करना है, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गए हैं. हमारे पास गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी, उन्हें यूटिलाइज करते हुए हमने क्या करना है, उसे एवेलुएट करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर वाई. हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है तो हमने क्या किया, 2 प्लेस किया और उसके ऊपर पावर 2 है तो हमने 2 राइट कर दिया. वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 3 है. सो हमने यहाँ पे माइनस 3 प्लेस किया. अब 2 के ऊपर पावर 2 है, इट्स मीन्स कि 2 को हम कितनी बार राइट करेंगे, 2 टाइम्स राइट करेंगे. सो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया और माइनस 3 को हमने एज इट इज नीचे प्लेस कर लिया. ठीक है, जब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा और माइनस 3 का माइनस 3 आ जाएगा. ठीक है, अब देखें जब 4 आपका माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आएगा, 4 3 जा 12. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है तो हम माइनस प्लस माइनस प्लेस करेंगे. दैट इज द आंसर ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर वाई. क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर. इसमें एक्स आपका सिंपल है और वाई के ऊपर क्या है, स्क्वायर है. सो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 गिवन है और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है. सो हमने 2 का 2 प्लेस किया. अब यहाँ पे माइनस 3 के ऊपर पावर 2 है, इट्स मीन्स माइनस 3 को हम कितनी टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स राइट करेंगे. ठीक है, सो हमने माइनस 3 यहाँ पे दो दफा लिखा.
सो व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस थ्री एंड माइनस थ्री तो आंसर क्या होगा हमारे पास, सी थ्री इज अ नाइन, और दोनों के पास माइनस के सिंबल है तो आपको पता है सिंबल भी आपस में मल्टीप्लाई होती है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे नाइन कौन सा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव का नाइन हो जाएगा। ठीक है, जब आपका टू मल्टीप्लाई करेगा नाइन से तो टू नाइन सा एटीन, पॉजिटिव एटीन आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है और वाई के ऊपर भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 2 है, तो हमने क्या किया 2 प्लेस किया और उसके ऊपर पावर क्या है आपके 2 है। सो और उसके बाद हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवेन है, माइनस 3 है और उसके ऊपर क्या है, पावर 2 है। सो हमने 2 के ऊपर पावर 2 है तो 2 को कितनी टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, और हमारे पास y के ऊपर कितनी पावर है, हमारे पास 2 पावर है, तो हमने माइनस 3 को कितनी टाइम्स राइट करेंगे, हम 2 टाइम्स राइट करेंगे। ठीक है, जब 2 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, और जब हम माइनस के 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 4 को पॉजिटिव 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 9 जा 36। ठीक है, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है, एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करना है, तीनों वेरिएबल मौजूद है, तीनों वेरिएबल की वैल्यूज को हमने पुट करना है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 3 है, और जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। तो हमने एक्स की जगह 2, वाई की जगह माइनस 3 और जेड की जगह हमने 4 वैल्यू को पुट किया है। ठीक है, जब 2 आपका माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 सा 6 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का सिंबल 3 के पास है तो हमने इस माइनस के सिंबल को भी प्लेस करेंगे। उसके बाद 4 के ऊपर क्या है, पावर 2 है, तो हम 4 को कितने टाइम्स राइट करेंगे, 2 टाइम्स राइट करेंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा आपका। ठीक है, जब ये आपका माइनस का 6 मल्टीप्लाई करेगा 16 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 96 आएगा। ठीक है, और क्योंकि ये आपका नेगेटिव सिंबल है तो आंसर भी आपका क्या आएगा, माइनस 96। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, एवेलुएट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इफ p इक्वल्स टू 4, q इक्वल्स टू 5 एंड r इक्वल्स टू माइनस का 6। ठीक है, तीन वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, 2p प्लस 3q माइनस का 4r। अब देखिए, 2 का 2 हमने प्लेस किया है, p की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 4 गिवन है, तो हमने क्या किया, p की जगह 4 राइट किया, उसके बाद प्लस का सिंबल प्लस से 3 का 3 राइट किया, q की वैल्यू क्या है हमारे पास सवाल में, 5 है, हमने 5 प्लेस किया है, उसके बाद माइनस का माइनस, 4 का 4, r की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 6 है। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया है, p q और r की वैल्यू को हमने इस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पुट किया है। अब देखें, 2 4 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 4 सा 8 हो जाएगा, 3 आपका 5 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 5 सा 15 हो जाएगा, 4 आपका 6 से मल्टीप्लाई करता है तो 4 6 सा 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नोट कर रहे हैं, आपका 6 क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ बाहर जो सिंबल आपके पास मौजूद है वो भी नेगेटिव है, सो माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सो हम कौन से सिंबल प्लेस करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन प्लेस करेंगे। ओके, अब आपने जब इन तीनों वेरिएबल्स को आप सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 47। दैट इज द एवोल्यूशन आंसर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2p प्लस 3q माइनस का 4r। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है, 3p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 10r। 3 का 3 राइट करेंगे, p की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 रखेंगे, पावर हमने एज इट इज प्लेस की है, प्लस का 4, q की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हमने 5 प्लेस की है एंड पावर सेम एज इट इज राइट की है, प्लस 10, r के ऊपर कोई पावर नहीं है, r सिंपल है तो हमने उसकी वैल्यू भी सिंपल माइनस का 6 प्लेस कर दी। ओके, अब देखें, 3 का 3 रखा, अब क्योंकि 4 के ऊपर पावर 4 है 2 है तो हमने क्या किया, 4 को 2 टाइम्स राइट किया है। ठीक है, प्लस का प्लस, 4 का 4, 5 के ऊपर पावर क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 5 को 2 टाइम्स राइट किया है। ठीक है, और जब आप 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपका 60 आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस का सिंबल है और बाहर आपके पास प्लस का सिंबल है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, सिंबल्स का भी हमने ख्याल रखना होता है। अगर आपके पास नेगेटिव साइन में वैल्यूज गिवेन है तो आपको चेक करके उसको मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से उतारना है। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे 3 का 3 हमने प्लेस किया, 4 4 जा 16 राइट किया, प्लस का 4 का 4 एज इट इज रखा, 5 5 जा 25 राइट किया है। ओके,
और माइनस का 16 हमने एज इट इज प्लेस कर दिया। 3 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 48 आएगा। और 4 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 100 आएगा। ठीक है, और माइनस का 16 हमने एज इट इज रखा। अब आपके पास ये तीन पर्टिकुलर वैल्यूज है, इसमें आपने 48, 100 को आपने क्या करना है, 48, 100 माइनस 60 आप जब अब करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 88 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास मौजूद है, पी क्यूब प्लस आर क्यूब। आपने क्या करना है, पी की वैल्यू को पुट करना है। पी की वैल्यू हमारे पास 4 है, उसके ऊपर पावर क्यूब है तो हमने क्यूब लगा दिया। आर की वैल्यू हमारे पास माइनस 6 है, उसके ऊपर भी क्यूब है तो हमने यहाँ पे क्यूब प्लेस कर दिया। ओके, अब 4 के ऊपर क्यूब है, इट्स मीन्स कि 4 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। सो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, 4 को 3 टाइम्स राइट किया है। इसी तरह माइनस के 6 के ऊपर पावर क्या है आपकी, 3 है, तो हमने यहाँ पे माइनस 6 भी कितनी बार राइट किया है, 3 टाइम्स राइट किया है। ओके, जब आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, हमने 64 राइट किया। अब 6 को देखें, 6 6 जा 36, 36 और 36 को जब 6 से करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो आपने सिंबल को भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमने 216 इसका लिखा, माइनस का लिखा। नेक्स्ट स्टेप पे हमने 64 को एज इट इज राइट किया है, 216 के पास क्योंकि माइनस का सिंबल है और बाहर हमारे पास पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। आपने क्या करना है, अब आपने 64 को 216 में से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 152। ठीक है, 152 माइनस का आपके पास आंसर आ जाएगा, डेट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है, डेट इज एवेलुएट द फॉलोइंग, इफ x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू माइनस 9 एंड z इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू माइनस 3 एंड z इक्वल्स टू 9। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, x अपॉन y। आपने क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास 4 है तो हमने क्या किया, x की जगह x की वैल्यू पुट की। y की वैल्यू क्या है, माइनस 3 है तो हमने y की जगह y की वैल्यू पुट की, डेट इज माइनस 3। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 4 अपॉन माइनस का 3। इसे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो डेट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है, y अपॉन x। y की वैल्यू क्या है, माइनस 3 है तो हमने माइनस 3 रखा है और x की वैल्यू क्योंकि 4 है तो हमने यहाँ पे 4 प्लेस किया है। अब देखिए माइनस 3 और 4 आपकी पर्टिकुलर एवेल्युएशन हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, इसे हम और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो डेट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, एक्स क्यूब अपॉन वाई। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे मौजूद है आपके पास, एक्स क्यूब अपॉन वाई। सो एक्स की वैल्यू क्या है, 4 और पावर 3 थी, हमने एज इट इज प्लेस कर दी और वाई के ऊपर सिंपल है सो हमने वाई की वैल्यू माइनस 3 एज इट इज राइट कर दी। अब 4 के ऊपर क्यूब है तो 4 को कितनी टाइम्स राइट करेंगे, 3 टाइम्स राइट करेंगे और माइनस 3 का माइनस 3 रहेगा। ठीक है, अब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, आंसर क्या आएगा, 64। और आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 3 आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, डेट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वाई क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास मौजूद है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 3 है अपॉन 4। ठीक है, माइनस का 3 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है तो आपने माइनस का 3 को कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स राइट करना है। सो माइनस 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और अपॉन 4 आपका एज इट इज सेम रहेगा, सो डेट इज आंसर। That's all about the evaluation of algebraic expression. If you have any question, any query, then you will ask. That's all. Stay tuned. Allah Hafiz.